बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मस्त हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा, सितारा यासीन और जो सितारा यासीन ने कराची में मीटअप रखा था, उस वो वीडियो आपने मेरी देखी, ठीक है। मैं भी गई, सब काफ़ी यूट्यूबर काफ़ी सब्सक्राइबर गए हुए थे, बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा, हमें भी बहुत मज़ा आया। अच्छा, अब मतलब हम वहाँ गए, हम बहुत स्टार्ट में चले गए थे, हम 2:30 बजे ही वहाँ पहुँच गए थे। और दूसरी बात ये कि जब हम वहाँ एंटर हुए तो वहाँ कोई भी नहीं था, मतलब 15-20 लोग जमा थे, और फिर हम भी जाके बैठ गए। फिर हमने वेट किया सितारा यासीन का, माशाल्लाह वाईटी की शहजादी। जी हाँ, वो है पाकिस्तान की वाईटी की शहजादी, अपने हद में रहते हुए, अपने लिमिट में रहते हुए, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपने फैमिली, अपने मतलब पूरे परिवार के साथ वो औरत बनाती है वीडियो, ठीक है। इसमें कोई उसमें इस इनकी वीडियो में कोई ऐसी वो नहीं है कि बंदा शर्मिंदगी फील करे या गिल्टी फील करे कि यार ये हमारी मतलब कैसी यूट्यूबर है, क्या क्या कर रही है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसके उसके व्लॉग में जो है ना, एक दर्द है उस औरत के चेहरे पे, एक दर्द है उसकी आवाज़ में, एक दर्द है। और मेरा फर्स्ट टाइम उनसे मीटअप हुआ, मुलाकात हुई, माशाल्लाह गरूर तो उस औरत के अंदर है नहीं, इसलिए मैंने उसे मतलब समझ लें कि 1.5 साल 2 साल हो गए मुझे सितारा यासीन को फॉलो करते हुए, उसके व्लॉग देखते हुए, उसके सब्सक्राइबर बने हुए 2 साल हो गए मुझे। तो मैंने ये 2 साल के बाद उससे जो खिताब दिया कि पाकिस्तान की वाईटी की शहजादी, आप गौर करिए जरा मेरे जुमले पे, पाकिस्तान की वाईटी की शहजादी सितारा यासीन, तो मैंने ये खिताब इसको ऐसे नहीं दे दिया। तो माशाल्लाह सितारा से मिलके बहुत खुशी हुई, कोई गरूर नहीं है उसके अंदर, बहुत सिंपल, बहुत सादा सी लड़की है, और इतने मतलब इतने से अरसे में उसने इतना नाम कमाया, इतनी इज्जत मिली उसे, आप लोगों का इतना प्यार मिला, माशाल्लाह उसके सपोर्टर बहुत ज़्यादा, उसकी चाहने वाले उनमें से एक हम भी हैं। तो जब मैंने उसके व्लॉग में सुना कि मीटअप के लिए बुला रही हैं, दावत दे रही हैं, सब आए, यूट्यूबर हो या सब्सक्राइबर हो, कोई भी हो, मुझसे जो मिलना चाहता है, मैं सबसे मिलना पसंद करूंगी, आप आए। तो गाइज, अब आप ये बताएं कि मैं तो गई उनसे मीटअप करने के लिए, अगर उन्होंने सब्सक्राइबर और यूट्यूबर का जिक्र ना किया होता और ये कहा होता कि भाई कैमरा बंद करके सब मुझसे मिलने आए, तो फिर मतलब ये था कि हम शिकवा शिकायत करते, हमने तो कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। बहुत सारे आप लोगों ने इतने मतलब बैड कॉमेंट किए मुझे, इतने ज़्यादा बैड कमेंट किए, मुझे हैरत होती है, मुझे अफसोस होता है, मेरे वीडियो में कुछ नहीं है, कोई दमदार वीडियो नहीं है, मेरी कंटेंट नहीं होता, कंटेंट लाने को मेरे पास 50 कंटेंट है, आप लोग जो है ना एक के बाद आप कहोगे नहीं यार सुमेरा ने तो बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट रखा हुआ, मगर सुमेरा के मतलब मुँह पर लगाया हुआ टेप, हाथों को बांधा हुआ है, ठीक है। YouTube पे मुझे इतनी इजाज़त नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी के दर्दनाक किस्से शेयर करूं आप सबसे, मैं कभी करना भी चाहूं तो मैं नहीं कर पाती हूं, और अगर मैं अपने ज़िंदगी के सारी कहानी सच सच आपको बताऊं तो मेरे लिए तो कंटेंट ही कंटेंट है, ठीक है। तो ये तो रह गई बात, आप लोगों ने कहा तुम सितारा क्या गोद में बिठा ले, सितारा क्या तुम्हारे को, तुम क्या चाह रही थी गोद में बिठा ले, तुम्हें शॉर्ट आउट तो दे दिया उसने, तो एक मुझे शॉर्ट आउट नहीं दिया, माशाल्लाह पूरी पब्लिक ही गई थी शॉर्ट आउट लेने के लिए, और मैं सितारा को दिल से प्यार करती हूँ, आई लव यू सितारा, आई लव यू। और अगर सितारा ने ये भी शर्त रखी होती ना तो मैं कैमरा ऑफ करके उससे मिलती, मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती, आप यकीन करें, मैं उसको इतना पसंद करती हूँ कि कैमरा बंद करके भी मैं उससे पर्सनली मुलाकात कर लेती, मगर हर दूसरा वहाँ पे जाहिर से नए नए यूट्यूबर हैं बेचारे, उनको एक आगे बढ़ने के लिए किसी बड़े यूट्यूबर का एक होता है ना कि किसी गिरे हुए को जो गिर जाए तो उसको खड़ा करने के लिए हाथ तो देना पड़ता है ना, पहल करनी पड़ती है, तो ये शुरुआत सितारा यासीन ने किया। मुझे तो 3 साल हो गए यूट्यूब पे,
जो नए यूट्यूबर है उन बेचारों को नहीं पता, तो वो तो अपना शॉर्ट आउट लेने के लिए, अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए ही सितारा से मीटअप करने गए थे, और उनमें से मैं भी एक थी। तो मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई? आप लोग इतने बैड कमेंट करते हैं, आप लोग प्लीज, आप लोगों से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि इतने बैड कमेंट नहीं किया करें, हौसला अफजाई किया करें, दिल मत तोड़ा करें, ठीक है ना। हम भी इंसान हैं, इंसान से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, और आप लोग जो है ना दिल तोड़ देते हो। तो खैर, मैं कमेंट तो देख के मैंने अब इग्नोर करना सीख लिया, क्योंकि शुरू में मुझे जो इतने घटिया घटिया कमेंट आए थे ना, तो मैं बहुत, मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तो अब आप सोचें कि शायद मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप वो कमेंट ना किया हो आपने, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपने वो कमेंट ना किया हुआ, तो जब सितारा यासीन ने झेल लिया, सितारा यासीन को इतना बदनाम किया गया, इतना उसने इतना झेला, जब मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये कमेंट से क्यों दिल दुखता है, तो सितारा जब शुरू में बोलती थी, सितारा को इतने लोगों ने क्या क्या बिचारी के साथ, अब मुझे एहसास हुआ कि यार ये कमेंट में मतलब अपना दिमाग में, अपने दिमाग में जो आया, अपने नज़रिए से जो देखा, वो कमेंट में ठोक दिया, यार तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो फलाना, तुम तो ढिकाना। तो मुझे भी बहुत, मेरा भी बहुत दिल दुखा, और मुझे फिर सितारा के ही ब्लॉग से मुझे हौसला अफजाई भी मिली कि यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो, कमेंट में करने दो, जो भी कोई करता है बुरे कमेंट करे, करने दो, कोई बात नहीं, हमें, हमारा वास्ता, हमें हम जवाबदार अपने अल्लाह को हैं, हम सिर्फ अपने रब को जवाबदार हैं कि हमने ज़िंदगी में क्या किया, हमने ज़िंदगी कैसे गुजारी, हमने ज़िंदगी में कौन से अच्छे अमाल किए, हमने ज़िंदगी में किसका दिल तोड़ा। ना हक किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का भी जवाब आपसे अल्लाह लेगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग बैड कमेंट ना किया करें। अच्छा चलें आगे चलते हैं। तो गाइस उस दिन जो है ना, मेरी बच्ची हुरम काफी बीमार थी, बुखार बहुत ज्यादा था, सुबह सुबह मतलब मेरी आंख खुली और मौसम ऐसा हो रहा था खतरनाक कराची का, मगर मैंने बोला कि नहीं, बस मैंने जाना है सितारा यासीन के पास। मैंने फटाफट से निपटाया अपने घर के काम काज, नाश्ता पानी सब करके, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं हुरम को लेकर जाऊं, मगर हुरम रो रही थी ना बहुत, मम्मा मैंने भी जाना है, मम्मा मैं, अच्छा मेरे घर में मसला ये ना कि मैं अकेली और हुरम मेरे साथ, बाकी मेरे घर में कोई और लेडीज नहीं है, कोई बड़ी लड़की नहीं है, सारे लड़के हैं, तो हुरम एक छोटी सी है, तो वो मेरे बहुत, मतलब मैं अपनी बच्ची को ना अपने से कभी जुदा नहीं किया मैंने, अपनी बच्ची को मैंने हमेशा, आज वो 6 साल की हो गई है, मगर मैं हमेशा उसको आज भी ऐसे रखती हूँ जैसे वो अभी पैदा होके मेरी गोद में आई है, और मेरी इकलौती बेटी है, तो मैं उसे नहीं छोड़ के जा सकती। अगर वो रोएगी चीखेगी और मैं चली जाऊँ तो फिर मैं कहीं की नहीं रहती, मेरा सारा दिमाग मेरी बच्ची की तरफ रहता है, ये हर घर हर माओं के मतलब साथ है ऐसा, मैं अनोखी माँ नहीं हूँ। तो मजबूरन मुझे हुरम को सिरप वगैरह पिला के लेके जाना पड़ा, मगर हुरम वहाँ गई ना तो थोड़ी देर के बाद सही बैठी रही, फिर रश इतना था। अच्छा मैंने जो कहा ना कि हमें भी मौका दे दें, तो वो मैंने इसलिए कहा, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, आप लोगों को मैं बता रही हूँ मैंने क्यों कहा। यार सितारा तो खड़ी है बीच में, कोई यहाँ से धक्का मार रहा है, कोई यहाँ से धक्का मार रहा है, कोई इस तरह कोई कोहनी मार रहा है, कोई किसी ने मेरे पाँव में अपनी मतलब सैंडल रख के दबा दी, तो एक अंटी जो है ना, एक अंटी तो बिल्कुल सितारा के पास से हटना ही नहीं चाह रही थी, तो वो बैठी थी हम सबके लिए ना, मतलब असूलन तो ऐसा है कि हम गए, हमने अपने शॉर्ट आउट लिया, उनसे बात की, उनकी खैरियत पूछी, उनसे सलाम दुआ किया, और उसके बाद हमने किसी और को मौका दे दिया, हम हट गए। हम इतना ही दिखा सकते हैं अपने ब्लॉग में, इतना ही हम अपने चैनल में इतने टाइम में इतना ही दिखा सकते हैं। आप यकीन करें गाइस, वहाँ ऐसा मंजर था, ऐसा मंजर था कि मतलब कोई जहाँ जो खड़ा है ना तो वो हटना नहीं चाह रहा है, जो पीछे वाले हैं बेचारे वो पीछे वाले पीछे ही रह जा रहे हैं, और मैं अंदर घुसी हूँ तो मेरे जो ना एक कान का टॉप्स भी गिर गया था, और ना मेरे बाल खराब हो गए थे, मैंने मास्क लगाया हुआ था, मेरे मुँह में छाले हो रहे थे तो मैंने मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि मेडिसिन की वजह से ना आपको पता है जबान में छाले हों तो सोमोजेल लगाना पड़ता है, तो मैंने मास्क को हटाया ही नहीं था, मगर इस कदर वहाँ पे जलालत हो रही थी सभी, मतलब सॉरी जलालत नहीं बोलूँगी, आप लोग फिर इसका बुरा मान जाएंगे,
इस कदर धक्का धुक्की, इस कदर मतलब कोई कहीं एक दूसरे को कोई मौका ही नहीं दे रहा था। तो मुझे इसलिए दुख हो रहा था, मैं चाह रही थी कि मैं अपनी बेटी आयत से अपनी बेटी का मीटअप कराऊं और सितारा यासीन से मेरी बेटी सलाम दुआ करे, बस ये मेरी ख्वाहिश थी। तो चले, ये मौका नहीं मिला, नहीं हो सका, मैं तो मिल के आ गई और हुरम रह गई। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अब जो हूँ, सितारा यासीन ने इस्लामाबाद में मीटअप करना है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि अब मैं पूरी तैयारी से फिर से शिरकत करने जाऊंगी इस्लामाबाद। मेरा बड़ा दिल है कि मैं एक दफ़ा और उससे मीटअप करूंगी, मेरा दिल नहीं भरा उससे। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी, उसके अंदर गरूर नहीं है, नंबर एक गरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है। उसकी पूरी फैमिली, सिर्फ सितारा नहीं, उसकी पूरी फैमिली, बाबर से मैं मिली, बाबर भी बिल्कुल हम लोगों की तरह सिंपल, और उनकी फातिमा थी, वकार थे, जितनी भी फैमिली के मेम्बर, यहाँ तक के साजिद भाई, वो भी बिल्कुल मतलब कोई गरूर कोई तकब्बुर, एक सादा आदमी है यार, एक सिंपल फैमिली है, सादा से लोग हैं। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ था, नहीं, तोबा तोबा अस्तगफार। मेरे ख्याल से तो वाकई ही ऐसी, ऐसे ही नहीं उसे वाइटी की शहजादी का लकब मिला, उसे वाइटी की शहजादी बनना है, बन के रही और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान में जितने यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर जो समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, आप यकीन करें, ऐसे ऐसे बड़े यूट्यूबरों की हरकतें अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आप कहोगे कि ये औरत तो सबके मतलब कीड़े निकाल रही है। मैं कीड़े नहीं निकाल रही हूँ, मैं जो हकीकत है वो बता रही हूँ। मैं इंडिया के ब्लॉगर सौरभ जोशी, आप उसे देखें, जहाँ चार लड़के खड़े होते हैं वो बंदा खड़ा होता है, उनको शॉर्ट आउट देता है, उनकी खैरियत पूछता है, ये उसका बड़ापन है। बाकी जो हमारे पाकिस्तान के बड़े 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 लाहौरी, जो लाहौर के जो छाए हुए हैं ना यूट्यूबर्स, पांच बहनें, तो आप सब समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, नाम लेना ज़रूरी नहीं है। तो ये लोग तो समझ रही हैं कि बस हम तो आसमान पे हैं, अब हमारा ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने तो छोटे यूट्यूबर से मिलना क्या, एक आम इंसान से भी मिलना पसंद नहीं करते लोग जो बड़े यूट्यूबर बन गए हैं। तो खैर, सितारा ने इतना तो सोचा ना, मैं ना सही किसी और का भला हो गया होगा, किसी और को जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अभी काम शुरू किया है, तो उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि कितनी उनको मतलब खुशी हुई, कितने दिल से उनको वो महसूस हुआ ना अपने के सितारा के साथ हमने बना लिया वीडियो, अल्लाह हमें भी कामयाब करे। तो मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। ये तो एक प्लेटफॉर्म है, काम करना है। मैंने ये भी कहा था कि आज हम सितारा से मीटअप करके आए तो हमारे व्यूज अच्छे आ जाएंगे, दूसरे दिन हमारे व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे व्यूज नहीं आते और हम मतलब हमारे पास कोई कॉन्टेंट नहीं होता खास। मैं मानती हूँ मेरे अपने चैनल में तो कोई कॉन्टेंट नहीं है, जी हाँ, मैं चाहूँ तो कंटेंट बहुत सारे जाती कंटेंट को रख सकती हूँ, मगर मैं नहीं रख सकती। तो खैर, इंशाल्लाह मेरा दिल नहीं भरा, मैं फिर से सितारा के मीटअप में जाऊँगी, भले मुझे इस्लामाबाद जाना पड़े, भले इसके लिए मुझे अपने गोल्ड की चीज़ सेल करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मगर मैं फिर दोबारा से सितारा के मीटअप में इस्लामाबाद में भी जाऊँगी, शिरकत करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि जब बुलाने वाले को इतराज़ नहीं है तो जाने वाले को क्या इतराज़ और आवाम को क्या इतराज़। तो जनाब, इसी अपनेपन के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर पूरे के हो गए, करवा दिए और 1K मेरा मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये साल मेरी कामयाबी का साल होगा। तो फिर मिलते हैं आप सबसे एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ, जब तक के सुमेरा आप ही को दे। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।